बोकारो इस्पात नगर की प्रतिभाओं ने हमेशा ही इस शहर का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित करने का काम किया है। इसी कड़ी में बोकारो की बेटी तान्या सिन्हा ने क्वीन ऑफ इंडिया 2019 का पुरस्कार जीतकर न अपने माता पिता का नाम रोशन किया, साथ ही झारखंड का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन कर दिया है। तान्या ने अपनी खुशी का इजहार किया। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को दिया, साथ ही बताया कि खुद पर यकीन हो तो सब कुछ मुमकिन है। मेरा नाम तान्या है और मैं मिस क्वीन ऑफ इंडिया 2019 हूँ। मुझे ये किताब बहुत मिला है और मैं बहुत खुश हूँ इसके बारे में। मैंने एक सपना देखा था और मैं इस मुकाम तक पहुँचना चाहती थी हमेशा, पर सिर्फ सपने देखने से आप वहाँ नहीं पहुँच सकते, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, जो मैंने किया। मैं इस क्राउन का श्रेय अपने पेरेंट्स को देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे हर तरीके से सपोर्ट किया। वो प्रिंसिपल्स हैं, मेरी बहन डॉक्टर है, हमारे फैमिली में इस लाइन में कोई भी नहीं है, पर फिर भी ना जानते हुए कि मैं किस तरफ जा रही हूँ, उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है और हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हैं जो भी चीज़ में मैं जाना चाहूँगी। और मुझे लगता है कि हर किसी को अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए। एज लॉन्ग एज यू बिलीव इन योर सेल्फ, यू कैन टू अचीव थिंग्स दैट यू बिलीव इन। एंड द डे यू स्टॉप बिलीविंग, उस दिन आपके सारे सपने ख़त्म हो जाते हैं। सिर्फ सपने देखने नहीं होते, उसे पूरा करने का जज्बा होना चाहिए और उसे पूरे करने की ताकत होनी चाहिए। वो रिस्क, यू शुड टेक दैट रिस्क इन लाइफ दैट यू कैन गो एंड अचीव योर ड्रीम्स एंड ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ। आई थिंक दैट इज़ वन थिंग आई वुड ऑलवेज लाइक टू से टू एवरीबडी इन द वर्ल्ड। बेटी को मिली इस सफलता से परिवार में भी खुशी का माहौल है। तान्या की मां, जो कि शिक्षाविद नीलकमल सिन्हा, बेटी ने शहर और राज्य का नाम रोशन किया, इसे वो बहुत खुश हैं। साथ ही उन्होंने दूसरे बच्चों के माता पिता को भी संदेश दिया कि अपने बच्चों का साथ हमेशा दें, उन्हें मोटिवेट करें। बहुत ही खुश हूँ और उसकी अचीवमेंट को लेकर पूरा परिवार खुश है। मैं स्पीचलेस थी, मैं बिल्कुल स्पीचलेस थी। ईश्वर को धन्यवाद करी कि उसकी मेहनत कामयाब हुई। हमें बहुत खुशी होती है जब हम कोई अचीवमेंट करते हैं, लेकिन होता यह है कि जैसे जैसे हमारे कैप में कोई फेदर लगता जाता है या हमें कोई एकोलेड मिलता है, तो उस वक्त खुशी होती है और खुशी का मोमेंट हमें इन्जॉय करना चाहिए, लेकिन उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो अब तक तो वो ये सोच रही थी कि मैं हूँ, मेरा परिवार है अब, या हमारा स्टेट है। तो जब वो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही थी तो उसके सामने कुछ चैलेंजेस थी। अब ये क्राउन पहनकर जब वो झारखंड और इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी तो उनके पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं, और मेरा ख्याल है उनको, तान्या को उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए और इंडिया का नाम रोशन कैसे करें उसके ऊपर तैयारी करनी चाहिए। एक गार्जियन, वो इम्पॉर्टेंट मायने रखता है। तो आज सिर्फ तान्या मिस क्वीन ऑफ इंडिया बनी है और झारखंड को प्राउड फील कराई हैं, इसके लिए हम तान्या को धन्यवाद देना चाहते हैं। और आने वाले दिनों में हमारे जो हज़ारों हज़ार बच्चे हैं वो कई प्लेटफॉर्म्स में अपना कौशल दिखा चुके हैं, और मैं आशा करती हूँ कि सारे अपना कौशल दिखाएंगे और इंजीनियर अच्छा बने, साइंटिस्ट अच्छा बने, और जो भी फील्ड में वो जाएं, हम यही कामना करते हैं कि हर बच्चा उसमें लगन के साथ, फोकस के साथ, और अपने अभिभावकों के और अभिभावक का कहने का मतलब यहाँ हर मेंटोर की बात कर रहे हैं, और वो उनके सपोर्ट के साथ वो किस तरह से आगे बढ़ता है, अपनी स्ट्रैटेजीज़ क्या बनाता है। इसलिए बिना हम बस ये कहना चाहेंगे, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। बता दें कि मनापुरम मिस क्वीन ऑफ इंडिया 2019 कॉन्टेस्ट पीगासस प्राइवेट लिमिटेड की ओर से आयोजित किया गया था, जिसमें तान्या ने मिस क्वीन ऑफ इंडिया का खिताब अपने नाम किया। तान्या ने इससे पहले भी कई छोटे बड़े कॉन्टेस्ट में पुरस्कार जीता है, लेकिन ये उनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। बोकारो से मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट।